इमाम अंबिया अलैहि सलातु व सलाम एक दिन जंगल के अंदर जा रहे सन, तो हजूर अलैहि सलातु व सलाम उस जंगल के अंदर एक जानवर आवाज देता वा, आवाज देने वाला जानवर का नाम हरनी आ। या रसूल अल्लाह मेरी आवाज सुनो, मेरे करीब आओ, मेरी मदद करो। इमाम अंबिया अलैहि सलातु व सलाम जो देखते ने एक जानवर आवाजा दे रहा वा, यकीनन उहदी आवाज इंसानों वाली नहीं, जानवरों वाली आवाज आ। इमाम अंबिया नूं फरियाद कर रहा, आका मेरी बात सुनो, जरा मेरे करीब आओ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हरनी दे करीब चले जाते ने। हरनी जाल दे अंदर फसी हुई है, शिकारी ने जाल ला के अपना काबू किया हुआ वा। इमाम अंबिया उस हरनी दे कोल जाके पुछते ने, भाई की गल है, कादे वास्ते मैनू बुलाया वा? इहदा मतलब आ अल्लाह दे महबूब हरनी दी आवाज नूं समझदे ने ते उहदी परेशानी नूं दूर करन दी ताकत भी रखदे ने। आका मैं इस जंगल दे अंदर चारा लैण वास्ते आई हाँ, चारा खाण वास्ते आई हाँ। मेरे बच्चे ने दो वो पहाड़ की खोह के अंदर बहे हुए ने, मैं इस जगह पर आण के इस शिकारी के जाल के अंदर काबू आ गई हाँ। मैं सोचनी हाँ मेरे छोटे छोटे बच्चे ने वो भुख के नाल मर जाएंगे। या रसूल अल्लाह थोड़ी देर वास्ते मेरी जमानत दे दियो, मैं हुणे जानी हाँ अपने बच्चों दुध पिला के वापस आ जावांगी। ये हरनी हुण अपनी जबान ना बोलती है, इंसान की जबान ना नहीं, जानवर वाली जबान दे ना बोलती है। इमाम अंबिया अलैहि सलातु व सलाम उहदे जामन बन जाते ने, हरनी नूं रिहा कर दिता जाता वा। हरनी दौड़ती जाती है उस जंगल के अंदर अपने बच्चों के कोल जाके जाके कहती है, ये मेरे बच्चे जल्दी करो, मेरा दुध पी लवो, मैं वापस जाना वा, मुहम्मद अरबी नूं जामन खड़िया करके आई हाँ। आका दे दवारे ते गुलामां दियां टोलियां, आका दे दवारे ते गुलामां दियां टोलियां, आका दे दवारे ते गुलामां दियां टोलियां, एक पिया सुन दाए लखां दियां बोलियां। एक सारे घर पढ़ दियो, एक पिया सुन दाए लखां दियां बोलियां, एक पिया सुन दाए लखां दियां बो। इमाम अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम दे गुलामो तवज्जो फरमाओ, हरनी दौड़ के जाती है अपने बच्चों नूं कहती है, जल्दी जल्दी मेरा दुध पी लवो, मैं वापस जाना वा, कि देर ना हो जावे। मेरी जगह ते हसनैन दा नाना खड़ा वा, जहरा दा बाबा खड़ा वा, परेशान ना हो जावे। जो बच्चों ने इन्नी गल सुनी है कह लगे, अम्मा असी उन्नी चिर दुध नहीं पीवेंगे, चल तेरे नाल जल्दी दे नाल असी भी जाने, ताकि मत परेशान ना हो जावन। नाराए तकबीर, नाराए रिसाल, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। ये हुण जिहड़ा शिकारी बंदा है ना, मुसलमान नहीं यहूदी आ, जदों ने देखिया ना मेरा शिकार, इस बंदे ने रिहा कर दिता वा। इमाम अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम दे नाल बदतमीजी करदा वा, गलत लफ्ज़ दे नाल कलाम करदा वा। अल्लाह दे महबूब ने फरमाया, क्यों परेशान हुन्ना वा? उन्हें आख्या, मेरा शिकार आया, तुसी रिहा कर दिता वा। अल्लाह दे महबूब फरमांदे ने, घबरा ना, हुणे शिकार वापस आ जाएगा। उन्हें क्या इदा हो सकता कदी भी शिकार जाल विच आया होवे, रिहा हो जाए, दोबारा उलट के आ जाए? हजूर ने फरमाया, तेनू पता नहीं, वो मेरे नाल वादा करके गया, जरूर आएगा, घबरा ना। इन्नी देर होंदी है हरनी अपने बच्चों नाल लैके फिर रसूल अल्लाह की बारगाह के अंदर हाजिर हो जाती है। फरमाया, दस बई तेनू क्या सी ना कि उन्हें वापस आना, वो मेरे नाल वादा करके गई है। वो यहूदी फिर हजूर के कदमा ते डिगा ते कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, कि ऐ नबी शान दे मालिक ने, कि जिन्हां दे जानवर भी बात नूं सुणदे ने और आवाज़ ते लबैक कहंदे ने,
तो पता चलिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात दे वास्ते रहमत भी बन के आए ने ते कायनात दे रसूल भी बन के आए ने।